ये ऐसे रहते गोट कीपिंग के रजिस्टर रहते हैं, हाँ जी, जिसमें आप रिकॉर्ड इस तरीके से, इसमें चार रिकॉर्ड रहते हैं। हाँ। मुंबई के जो मुख्यमंत्री पहले थे महाराष्ट्र के, फडणवीस अजीत दादा भी है उसमें, जी जी जी, उनके हुक जो है, नाखून जो है, उसको आप कट कर सकते हो। महाराष्ट्र के लिए हमने बुक भी बनाया हुआ है जिसे कहते हैं मतलब व्यवसायिक सेवी पालन, SSP वाटसल। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब को था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, तो मैंने मतलब वहाँ पे इतना कुछ लगाव नहीं था और मुझे कुछ अलग से करना था। लगाव का बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ दी? जी सर। और उसके बाद ये बकरी पालन शुरू किया? हाँ। 8 से 10 करोड़ टर्नओवर? हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए। सर मेरा नाम है राहुल खामकर और अपना फार्म है महाराष्ट्र अहमदनगर पाथरडी में। जी चलिए सर। Yes. और ये सर थोड़ा बताइए इसके बारे में, ये क्या? ये हमारा एक्सेल एग्रो सर्विसेज का बोर्ड है जी, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग और गोट फार्मिंग में वर्क करता है। ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा फार्म है सर का, यहाँ से सर की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, पार्किंग वगैरह की यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपको मिल जाती है, क्योंकि सर का यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है। जी सर। तो सर ये लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क, यानी जो एंट्री फीस है सर? हाँ, वो 150 रुपये फी है सर, क्योंकि दिन भर नहीं बोले तो दिन भर 40-50 लोग कम से कम विजिट देते हैं और हर एक को टाइम देना इतना पॉसिबल होता नहीं, और जो कॉल करके आता है तो उनके लिए हम फी नहीं लागू करते सर, और जो डायरेक्ट आता है ना तो उसके फिर उसके लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए फीस आपने रखा हुआ है। हाँ सर, और उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए ना। हाँ। अगर हम इतना बता रहे आपको ये सब चीज़ें बता रहे तो उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिससे आपको समझ में आए। और इसमें लिखा है कि सर आप इधर गुटखा तंबाकू मद्यपान धूम्रपान यहाँ पे अलाउड नहीं है सर। हाँ, और आपकी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ आप लगा सकते हो, और फार्म का टाइम जो है वो 10 बजे से 5 बजे। चलिए फार्म के अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ से फार्म शुरू हो जाता है एंट्री। सर काफ़ी बड़ा स्केल पर अभी काम कर रहे हैं? हाँ सर। लगभग सर कितने साल से आप कर रहे हैं ये? सर 12 साल से काम चालू है हमारा। हाँ जी, पिछले 12 साल से गोट फार्मिंग में कर रहे हैं, और हमारा जो पार्टनर है सतीश सर वो पिछले 25-27 साल से देसी पोल्ट्री में काम कर रहे हैं सर। यहाँ पे सर मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो मेडिसिन वगैरह जो लगता है, अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको। जी, तो दोस्तों इतना प्रोफेशनल जो फार्म है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट ही यहाँ पर सर ने अलग किया हुआ है। जी सर, क्योंकि रेगुलर में अगर बहुत सारी मेडिसिन ऐसे रहते जो अवेलेबल होती नहीं है, हाँ तो हाँ। उनको भी हम स्टॉक करके रखते हैं, अगर किसी फार्मर को कुछ चाहिए हो तो वो हमसे भी टीका लगवा लेता है। एक छोटी डिस्पेंसरी आपने यहाँ बनाई हुई है? हाँ जी सर। वो कह सकते हैं? यस सर। मिनी हॉस्पिटल, मेडिसिन बॉक्स है जी जी, जो अगर किसी बकरी को कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत गिरी तो इसमें हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के मेडिसिन और ये सब गोट के रिकॉर्ड है। देखिए इतने अच्छे से काम कोई मतलब इक्का दुक्का ही फार्मर वाले करते हैं। और यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड कीपिंग की बुक वगैरह, उसके बाद जो पैम्पलेट है जी, पैम्पलेट में हमारी जानकारी हमने दी रखी है। पहले इन सभी ब्रीड में हम काम करते थे, बाकी जो है ब्रीड वो हम ट्रेडिंग करते हैं, और ये इक्विपमेंट्स सीड्स वो सब प्रोवाइड कराते हैं। ये ऐसे रहते गोट कीपिंग के रजिस्टर रहते हैं, हाँ जी, जिसमें आप रिकॉर्ड इस तरीके से, इसमें चार रिकॉर्ड रहते हैं, मेटिंग टू क्रीडिंग रजिस्टर, किडिंग टू किडिंग रजिस्टर अलग से होता है, मंथली वेट रजिस्टर, वीकली वेट रजिस्टर, ऐसे इसमें चार रहते हैं, और एक जो बुक है उसमें चार रहते हैं सर। ये प्रशिक्षण वाले सर? हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, पूरा ट्रेनिंग का सेटअप है जी सर। और ऑनलाइन ट्रेनिंग में चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए हमने लाइव ट्रेनिंग रखा हुआ है सर। और जो सर के कुछ अचीवमेंट्स हैं? हाँ सर, ये जो मतलब बिजनेसमैन लोग वगैरह है, और हमारे जो मुख्यमंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री साहब भी आप देखिए, हाँ, मुंबई के जो मुख्यमंत्री पहले थे महाराष्ट्र के, फडणवीस अजीत दादा भी है उसमें, जी जी जी, देवेंद्र फडणवीस भी है। ठीक है। और यहाँ पे ये अकाउंट डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के पसंदीदा जी कंप्यूटर पसंद, जैसे कि ये हुप कटर हो गया, और फीडिंग निप्पल, जिस कभी कभी बकरी को उतना दूध नहीं आता तो बॉटल फीडिंग करना पड़ता है, तो इसलिए निप्पल जरूरी है, क्योंकि जैसी बकरी बच्चे बढ़ते हैं वैसे बकरी का दूध नहीं बढ़ता। हाँ जी। तो उसके रिक्वायरमेंट के लिए आपको बॉटल फीडिंग करनी जरूरी है, तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हुप नाइफ है, जिससे आप उनके हुप जो है, नाखून जो है, उसको आप कट कर सकते हो। और हर एक बकरी को आप नाम से नहीं बुला सकते, इसलिए उनको टैगिंग करना जरूरी है, ये टैगिंग रहता है, रिकॉर्ड मेंटेन के लिए बहुत ही जरूरी है। हर फार्मर को करना चाहिए, हर फार्मर को करना चाहिए। और जैसे कि इसमें इसको कहते हैं मेल टैग, इसको कहते हैं फीमेल टैग, इसमें ये जो है वो एप्लीकेटर से इंसर्ट हो जाता है। इसके बावजूद इसमें ड्रेंचिंग गन भी रहती है, कि बहुत से टाइम आप जब दवाई पिलाती हो तो बकरी खांसती है, तो वो खांसनी नहीं चाहिए, इसलिए
ये ड्रंचिंग गन रहती है, तो इससे आप सीधा उसके मुंह में दवा दे सकते हो, या आगे आपको जोड़ के उसके मुंह में दवा देनी है सर। बाकी देख लीजिए, ये सर का जो है यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट है पूरा, जिनको सर संभालते हैं अकेले, ये अपना सब कुछ। और हमने यहाँ के महाराष्ट्र के लिए हमने बुक भी बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं मतलब व्यवसायिक सेवी पालन, SSP वाटसल, मतलब सक्सेस के हिसाब से आपको बिजनेस करना है तो इसके लिए हमने पूरा एनालिसिस करके ये बुक दिया हुआ है। निचोड़ है सर इसमें बकरी पालन का। हाँ, ग्रेजिंग फार्मिंग क्या होता है, ग्रेजिंग फार्मिंग क्या होता है, स्टॉल फीडिंग क्या होता है, शेड कैसा होना चाहिए, पार्टीशन क्यों होने चाहिए, वो क्यों जरूरी है उसमें, ये सब चीज़ें इसमें हमने रिकॉर्ड वगैरह वो सब साथ में दिए हुए हैं सर। हर तरह की सुविधा जो है फार्मर के लिए आपने प्रोवाइड की हुई है। हाँ, ये जो ट्रेनिंग की फोटोग्राफ है, जो लोग हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं। यहाँ से सर की जो मेन फार्म है, यहाँ से एंट्री होती है। ये देखिए एक्सेल एग्रो फार्म है। अभी सर दिखाइए क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या चल रहा है सर यहाँ पर अभी। सर जैसे कि बारिश का मौसम है, तो उसके लिए हम जो उनके कंपार्टमेंट जो रहते हैं तो उसको क्लीन करते हैं जी। और उसमें जो चूना रहता है, तो चूना से उसको ये किया जाता है, वॉश किया जाता है, और दूसरी बात इनको फॉर्मेलिन वगैरह मार के इनको क्लीन करते हैं। और ये जो है ये इनका ड्रिंकर है, और ये जो है इनकी फीडर है, ये फीडर है उनकी जी। तो ड्रिंकर और फीडर ना कभी भी बाहर के साइड में होने चाहिए। बहुत से टाइम क्या होता है कि बकरी अगर अंदर होती है तो उसमें गंदगी कर देती है, तो बाकी बकरियाँ पानी नहीं पी पाती और वो भी नहीं पी पाती, तो इसके लिए ये दोनों साइड में होने चाहिए। अच्छा सर, आपसे सर ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और आप इससे पहले क्या कर रहे थे? जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब को था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, तो मैंने मतलब वहाँ पे इतना कुछ लगाव नहीं था और मुझे कुछ अलग से करना था, तो अलग से करने से मुझे इनके प्रति लगाव था, एनिमल के प्रति। तो लगाव का बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो धीरे धीरे करके वो पूरा बिजनेस डेवलप हो गया। तो गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ दी? जी सर। और उसके बाद बकरी पालन शुरू किया? हाँ। ठीक है, और कितना मुनाफा आप ले रहे हैं सर अभी, आप प्रॉफिट कितना ले रहे हैं अभी? हमारा ट्रेडिंग का और ब्रीडिंग का मिल के 8 से 10 CR के आसपास हम प्रॉफिट कर देते हैं सर। 8 से 10 करोड़ टर्नओवर कर देते। 8 से 10 करोड़ टर्नओवर? हाँ सर। बहुत बढ़िया सर, अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। बाकी सर की जो ब्रीड है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेड ब्रीड है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और किस तरह से इसको सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्या प्राइस है। चलिए बाकी बाड़ा देखिए सर, कितने सेक्शन आपने बनाए हुए हैं यहाँ पर? ये सर कम से कम 18 सेक्शन है, और दूसरे जो फार्म है वहाँ पे 6 सेक्शन है, जो कि क्वारंटाइन के लिए हमने बना के रखा है। अगर कोई बकरी बाहर से आती है दूसरे फार्म से या कहीं से, तो उसको पहले क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बाद में हमारे गोट में हम उसको ऐड कर देते हैं जी। और 12 जो कंपार्टमेंट है, तो उसमें प्रेगनेंट गोट का अलग है, नॉन प्रेगनेंट गोट का अलग है, किड्स का अलग है, 3 महीने तक के जो किड्स है उसका अलग है, 3 महीने के ऊपर मेल किड्स का अलग, फीमेल किड्स का अलग है जी जी, और जो नॉन प्रेग्नेंट गोट है उनका अलग है, और ब्रीडिंग मेल का अलग से। यानी कोई भी अगर बकरी बाहर से आ रही, कोई एनिमल आ रहा है, उसको पहले रखा जाता है बाड़े में जी, ताकि जो दिक्कत है उसको, हाँ वो समझ में आना चाहिए, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो क्लियर हो जाएगा अपने पास। आइए सर देख लेते हैं ब्रीड भी जी। ये सब बोयर है सर, फुल ब्लड बोयर है। हाँ, फुल ब्लड बोयर गोट है जी, जो कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट बढ़ने वाला ब्रीड कहा जाता है सर। और कहाँ की ब्रीड है सर ये? ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है सर। तो साउथ अफ्रीका से सीधे आप इंडिया में लेके आए हैं? सर वैसे मैं मतलब चीज़ें कुछ ये नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन कुछ बकरी हमने बाहर से मंगाई है और कुछ यहाँ पे हमने ब्रीडिंग किया है। अच्छा अच्छा सर, तो सर खासियत क्या होती है, क्यों बोर की लोग जो है दीवाने हैं इतने कि बोर चाहिए बोर चाहिए? सर बोर जो है वो सबसे फास्ट वेट गेन करती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें 65-70% मीट परसेंटेज रहता है, और इसमें इनके मिल्क में जो फैट रहती है वो 7-7.5 की फैट रहती है सर इनके मीट में, और आप क्रॉस ब्रीडिंग करके इनसे अच्छा सा मुनाफा आप कमा सकते हो जी जी। बताइए सर पहचान, क्योंकि लोग सर जानना चाहते हैं कि असली बोयर की पहचान क्या होती है। जैसे कि आप सर इनकी बोन साइज स्ट्रक्चर वो सब अलग से दिखेंगे आपको। हाँ। और मैं आपको इंडियन बोर भी दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा। जैसे इनका हेड मार्क जो है, ऊपर का मार्क है, इसके सींग का साइज भी देखो, इसके कान का साइज भी अलग से आता है, यहाँ पे जो रहता है वो सब आगे भरा हुआ रहता है धड़ों का। हाँ। और यहाँ का स्पेस भी यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर आ जाता है, और यहाँ का जो पेसेज है वो भी थोड़ा फीमेल में बड़ा रहता है, और इनका जो बॉडी का साइज है वो 60% रहता है, नीचे का साइज 40% रहता है, और इनकी बोन साइज भी सर अलग से रहती है सर। और कितनी कैपेसिटी कितनी है सर दूध देने की इनकी? दूध ये कम देती है सर, 1.5 से 2, 2.25 लीटर तक, 1.5 लीटर तक दूध दे सकती है, लेकिन इनके जेनेटिक्स में ऐसे कुछ गुणधर्म है जो इनके किड्स और इनमें वेट गेन की क्षमता ज़्यादा देती है, और मिल्क में भी फैट अच्छे होने के वजह से रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो ये 3 महीने में की बात करें, 4 महीने में कितना वेट गेन कर लेती है सर?
सर आप कौन सी क्वालिटी का ब्रीडर यूज़ करते हो? स्टर्ड लाइन, प्रीमियम लाइन, फुल ब्रेड, उसके ऊपर आपका वेट डिपेंड रहेगा किड्स का। फिर भी आप पकड़ के चलो 25-30 केजी जी आप इसमें अचीव कर सकते हो। आई थिंक ये कोई स्पेशल लाइट चल रही है सर यहाँ पर, चना हाँ। ये दिया हुआ है, इनको मक्का वगैरह दी जा रही है। हाँ सर, ये अभी सर 7 मंथ का किड्स है ये। हाँ, इसका 60 केजी वेट है सर अभी। बताइए 7 मंथ का 60 केजी बताइए। कद काठी देखिए, लेंथ और लंबाई सर देखिए, जबरदस्त। तो ये प्योर है सर? हाँ, ये फुल बर्ड सर, फुल बर्ड, प्योर से आगे है वो, प्योर से भी आगे फुल बर्ड। हाँ सर, ये जो है तो देसी बकरी जो है हमारे यहाँ की लोकल बकरी जिसे उस्मानाबादी कहा जाता है, तो उस्मानाबादी से ये मतलब थर्ड जनरेशन मिला है। ये क्रॉस की हुई है सर? हाँ, ये क्रॉस है, बोर से क्रॉस की है। आपकी लोकल बकरी और प्लस बोर? हाँ, ये 75% बोर है सर। ठीक है, लिंक फर्स्ट टाइम में 50%, सेकंड टाइम में 75%। रंग सर पूरा काला हुआ है इसका? हाँ सर, इसके जो मतलब ये माँ के ऊपर गई हुई है सर। अच्छा अच्छा, माँ काली थी। हाँ ठीक है, और इसकी वजह से उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब बोर के ऊपर है। बोर के। अभी सर ये देख लेते हैं फीड में ये क्या डाला हुआ है सर, ये बताइए जरा। एक खुराक है सर। हाँ, जैसे कि अपन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते, तो इसमें हमने मक्का जो है वो 50% और ये जो खुराक बनाया हुआ है रेडीमेड, तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू सब कुछ ऐड रहता है, उसमें मिनरल, विटामिन, वो सब इसमें ऐड रहता है। रहता है प्रॉपर एक डाइट प्लान है। हाँ, मिनरल्स वगैरह सब कुछ ऐड रहते हैं उसमें। और चूना वगैरह सर भी रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, तो चूना वो सर क्लीनिंग के लिए रखा हुआ है, अगर किसी बकरी का डिस्चार्ज वगैरह गिर जाता है तो उसके ऊपर वो क्लीन करने के लिए। बाकी देखिए यहाँ पे जो है बच्चे देखिए कितने हेल्थी, कितने दिन के बच्चे हैं सर ये? 1 महीने के अंदर के बच्चे सर। और वेट कितना होगा सर? ये 12-13 किलो के आसपास वेट है सर किड्स का। इनके लिए अलग डाइट है सर बच्चों के लिए? हाँ, इनको ड्राई फॉडर भी हम ज़्यादा मैटर करते हैं और फीड भी वही है। ठीक है, ये सब जो किड्स है वो 3 महीने के ऊपर के, 3 से 5 महीने तक के किड्स है सर। काफ़ी हेल्थी है सर? हाँ सर, हाँ सर, ये देखिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा सर बात करते हैं अभी इसमें सर हमने टैगिंग किया हुआ है। हाँ, जैसे कि आप ग्रीन टैग देखोगे, दिखाइए सर एक बार। हाँ सर, ये ग्रीन टैग जो है जी, तो वो स्टर्ड लाइन है। हाँ, रेड टैग में पट्टी वाला टैग है वो फुल ब्लड है। स्टर्ड लाइन और फुल ब्लड में क्या अंतर है सर? स्टर्ड लाइन जो है सर, तो स्टर्ड लाइन मतलब इंडियन बोर से जो प्रोडक्शन हुआ है फुल ब्लड से, तो उसको स्टर्ड लाइन कहा जाता है जो फर्स्ट टाइम में होता है। और सेकंड टाइम में जो होता है स्टर्ड लाइन से मेट करके फुल ब्लड को, तो होता है प्रीमियम, मतलब सेकंड जनरेशन हो जाता है। और प्रीमियम को जब फुल ब्लड से आप क्रॉस करोगे तब थर्ड जनरेशन हो जाएगा। ओके जी, ये सब 6 मंथ के ऊपर के सर। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा 6 मंथ्स की। और शाइन देखो सर क्या जबरदस्त। हाँ, शाइन है। और कितना वेट होगा सर? ये अभी 30-35 केजी के आसपास, फीमेल में वेट थोड़ा कम रहता है ना मिल से, 30-35 केजी के आसपास है सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा सर अब बात कर रहे थे, ये तो आपका फार्म हमने दिखाया लोगों को। हाँ सर, कुछ शुरुआत कैसे कर सकता है सर इसकी, और कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? सर पहली बात तो आपके पास बजट क्या है, तो उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात आपके पास पेशेंस कितना है, उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। और कम से कम स्टार्ट करने तो अपने पास अगर पुरानी बकरियाँ होगी तो उसमें एक अच्छे से ब्रीडर डाल के भी आप क्रॉस ब्रीडिंग करके स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी बात आपको हर टाइम में अलग अलग क्रॉस ब्रीड करके आप उनसे एक अच्छा प्योर ब्रीड बना सकते हो। और जिनको मतलब बजट का कुछ टेंशन नहीं है तो वो मिनिमम 10-25 गोट्स लेके 1 यूनिट लेके वो स्टार्ट कर सकते हैं सर। सर अगर बात करूँ कोई 10 बकरी से शुरुआत करता है एक मेल से, तो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, खर्चा कितना आएगा, प्लस कितनी से इनकम वो ले सकता है? जैसे कि अगर हम बोर में काम करते हैं सर जी, तो बोर में 1 यूनिट का कॉस्टिंग आएगा मिनिमम 3 से 3.5 लाख रुपए तक जी, 1 यूनिट का कॉस्टिंग आएगा। और उससे आप अगर 80% भी आप किड्स उसे पा लेते हो, 80% भी अगर इसमें तो ट्विंस का रेशियो तो 80-90% है, तो भी आप अच्छे खासे से उसमें वो आपकी इन्वेस्टमेंट कवर होके आप कुछ मुनाफा उसमें ज़रूर पा सकते हो। पा सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।